इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की फटाफट खबरों पर। जयपुर में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर गहलोत और पायलट के समर्थकों का हंगामा, मंगाई फोर्स। तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम पर विचार, मध्य प्रदेश में सिंधिया और राजस्थान में सचिन को बनाना मुश्किल। पीएम मोदी की अपील बेअसर, संसद सत्र दिन भर के लिए स्थगित। तेलंगाना में टीआरएस के चंद्रशेखर राव आज ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, हरियाणा पंजाब में गिरे ओले, अगले 2 महीने तक 30 ट्रेनें रद्द। बुलंदशहर हिंसा में मृत सुमित के पिता ने कहा, 18 को सीएम आवास पर करूंगा आत्मदाह। आईएएस अधिकारी शांतिकांत दास रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त। तीन राज्य जीतने पर कांग्रेस का भाजपा पर तंज, ये है नया स्वच्छ भारत अभियान। योगी आदित्यनाथ का बयान, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने झूठ बोलकर लिया जनादेश। मध्य प्रदेश में हट सकते हैं सीएम के पीएस वर्णवाल, नए डीजी सीएस के नाम पर भी चर्चा। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।